ये जो अलग अलग दल मिले हैं, ये भ्रष्टाचार के दल में बुरी तरह से घिरे हुए हैं, डूबे हुए हैं। मोदी जी के नेतृत्व में देश दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना है। इकोनॉमी में हम पांचवें नंबर पर आकर खड़े हो गए, पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर खड़ी हुई। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर बन गए। यानी कि यूक्रेन से विद्यार्थियों को बचाकर लाना, उसकी सराहना हुई है। तो दूसरी ओर ऑपरेशन दोस्त में टर्की और सीरिया में सबसे पहले मदद पहुंचाने वालों में भारत पहुंचा। आज भारत मदद मांगने वाला नहीं, भारत मदद पहुंचाने वालों में से है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले, पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत दुनिया को देने वाला देश बना। ब्रिटेन को पीछे छोड़ दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमी बने भारत से। टर्की व सीरिया जैसे देशों को सबसे पहले मदद मिलना बताया बड़ी उपलब्धि। करप्शन केसेस में फंसे नेताओं व राजनीतिक दलों के गठबंधन को ठग बंधन करार दिया। एमसी शिमला इलेक्शन के लिए सत्ताधारी दल कांग्रेस द्वारा फर्जी वोट और रोस्टर से छेड़छाड़ जैसे प्रयासों को बताया वो छह हथकंडे। केंद्रीय खेल तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री के अनुसार, कुर्सी मिलने के बाद अपनी 10 गारंटी से नानुकुर करने वाली सुक्खू सरकार से हुआ जनता का मोहभंग। राहुल गांधी को 2 साल की सजा व कांग्रेस के सत्याग्रह पर भी जमकर कसे तंज। अनुराग के अनुसार 2 साल के कारावास अथवा दंड के चलते सदस्यता रद्द होने के मुद्दे पर सड़क पर ड्रामा करने की वजह समय पर करनी चाहिए थी कोर्ट में अपील। अरसा बाद राजधानी शिमला के रिज मार्ग पर घूमते दिखे अनुराग ठाकुर। केंद्रीय खेल तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने भ्रष्टाचार के मामलों में फंसे नेताओं तथा राजनीतिक दलों के गठबंधन को ठग बंधन व करप्शन का दल दल करार दिया। उन्होंने कहा कि 2014 व 2019 के लोकसभा चुनाव की तरह 24 में भी विपक्ष का ठग बंधन अथवा गठबंधन नाकाम होने वाला है, क्योंकि देश की जनता पीएम मोदी के नेतृत्व में देश की तरक्की की दर को और आगे बढ़ाने का मन बना चुकी है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत आज मांगने वाला नहीं बल्कि दुनिया को देने वाला देश बना है, और टर्की व सीरिया में ऑपरेशन दोस्त के माध्यम से राहत पहुंचाने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना। भारत पर राज कर चुके ब्रिटेन को पीछे छोड़ हिंदुस्तान के दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि स्टील व दुग्ध उत्पादन में जहां देश पहले नंबर पर है, वहीं मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में सेकंड पोजीशन पर है। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस द्वारा 15 से 20 अप्रैल तक फिर से किए जाने वाले सत्याग्रह पर तंज कसते हुए कहा कि जिसकी नींव ही भ्रष्टाचार पर टिकी हो, उसे सत्याग्रह के मायने क्या पता। उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग अथवा जाति विशेष के अपमान पर 2 साल की सजा व कारावास के बाद राहुल गांधी द्वारा माफी मांगा जाना तो दूर, उल्टा अपने समर्थन में सड़क पर कार्यकर्ताओं से बवाल करवाया गया। उन्होंने कहा कि 2 साल की सजा होने के चलते अन्य दर्जन भर सांसदों अथवा नेताओं की तरह खुद को अनफॉर्चुनेट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहने वाले राहुल की सदस्यता जाना भी तय थी, और कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ सड़क पर प्रदर्शन की बजाय यदि समय रहते अपील कर लेते तो कानूनी दृष्टि से उनके लिए बेहतर होता। एमसी शिमला के इलेक्शन में कांग्रेस पर वोटर लिस्ट और रोस्टर से छेड़छाड़ जैसे ओछे हथकंडों के आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि जिन 10 गारंटियां तो लोक लुभावने वादों से सूबे में कांग्रेस सत्ता में आई, उन्हें ही सुक्खू सरकार अब भुला रही है। उन्होंने कहा कि निर्धारित अवधि अथवा फर्स्ट कैबिनेट में सुक्खू सरकार ने जिन गारंटी को पूरा करने का वादा किया था, अब उनका नाम तक नहीं लिया जा रहा है, और चले चलाए संस्थान बंद करने वाली इस गवर्नमेंट से महज 3 माह में प्रदेश की जनता तंग आ चुकी है। अपने शिमला विजिट के दौरान आज काफी साल बाद यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ऐतिहासिक रिज मैदान व माल रोड पर भी घूमते नजर आए, और काफी संख्या में प्रशंसक उनके साथ सेल्फी खिंचवाते भी नजर आए। जो अलग अलग दल मिले हैं, ये भ्रष्टाचार के दल में बुरी तरह से घिरे हुए हैं, डूबे हुए हैं। और मैं तो पहले भी कहता हूँ, ना इनकी नीति साफ, ना कोई नीतियाँ एक जैसी हैं, ना विचारधारा एक जैसी है, और ना नीयत साफ है। ये तो केवल अपनी साख बचाने के लिए या किसी भी बहाने से जीत दर्ज कराने के लिए इकट्ठे आने का प्रयास करते हैं। ये पहली बार नहीं हो रहा जी, 2019 में भी हुआ, ये 2022 में उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी हुआ, और ये महा ठगबंधन जब बना, इसमें लोगों ने इनका चेहरा देखा और देखा कि केवल भ्रष्टाचार दिखता है। इसलिए लोगों ने ना इनको 14 में स्वीकार किया, ना 19 में किया, ना उत्तर प्रदेश के 2017 ना 2022 के चुनाव में किया है, क्योंकि लोगों के सामने साफ दिखता है कि कांग्रेस और कुछ ऐसे दल और झूठे वादे करते और सत्ता में आकर पूरे नहीं करते, और भ्रष्टाचार का केवल काम करते हैं।
दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो करके दिखाया। मोदी जी के नेतृत्व में देश दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना है। IMF ने फिर कहा है कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में ब्राइट स्पॉट भारत दिखता है। स्टील में नंबर वन, मैन्युफैक्चरिंग में, दूध उत्पादन में नंबर वन देखा जाए, इकॉनमी में हम पांचवें नंबर पर आकर खड़े हो गए, पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर खड़ी हुई। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर बन गए। आप किसी भी क्षेत्र में देखेंगे भारत एक के बाद दूसरे स्थान पर आगे आया है। तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनकर तैयार खड़ा हुआ है। तो मोदी जी के नेतृत्व में जहां देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ी, कोविड को प्रबंधन लेकर पूरी दुनिया ने प्रशंसा की है, और ऑपरेशन गंगा और ऑपरेशन दोस्त यानी कि यूक्रेन से विद्यार्थियों को बचाकर लाना उसकी सराहना हुई है, तो दूसरी ओर ऑपरेशन दोस्त में टर्की और सीरिया में सबसे पहले मदद पहुंचाने वालों में भारत पहुंचा। आज भारत मदद मांगने वाला नहीं, भारत मदद पहुंचाने वालों में से है। देखिए, अशोक गहलोत जी की सरकार तो केवल भ्रष्टाचार के लिए जानी गई, कानून व्यवस्था चरमरा गई, महिलाओं के साथ उत्पीड़न होना और सर कलम कर देने जैसी घटनाएं वहां पर होना, हाथ पर हाथ रखकर पुलिस वहां की बैठी रही, एक नहीं अनेक स्कैम वहां पर पेपर लीक के हुए, जॉब घोटाले में उनके ही मंत्री और परिवारों के नाम आए, वैक्सीन की जो भ्रष्टाचार हुआ वो राजस्थान उसमें सबसे आगे नजर आया। अशोक गहलोत जी की सरकार, कांग्रेस भी उनसे छुटकारा पाना चाहती थी लेकिन नहीं पा पाई। सचिन पायलट ने तो पहले भी मोर्चा खोला था लेकिन कदम पीछे हटा लिए थे। आशा करते हैं इस बार टिके रहेंगे। जिस पार्टी की नींव ही झूठ पर हो वो सत्याग्रह क्या करेंगे, जो पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी हो वो सत्याग्रह क्या करेंगे, जिनको सत्याग्रह का मतलब ही पता ना हो श्रीमान राहुल गांधी जी को वो सत्याग्रह क्या करेंगे। उनके लिए तो आप समझते हैं ना सत्याग्रह क्या, जरा वीडियो दिखाना उनका पुराना। राहुल गांधी जी ने पिछड़े समाज का अपमान किया, एक बार नहीं बार बार किया, माफी मांगना तो दूर, अहंकार उनका सबके सामने नजर आया। और कोर्ट ने जब उनको 2 साल का दंड दिया उसी समय वो अयोग्य घोषित हो गए थे, उसी क्षण उसी पल अपील करने की बजाय ड्रामा रचने का काम किया, ना संसद चलने दी और सड़कों पर भी ड्रामा करते रहे। लोग इनके झांसों में नहीं आने वाले, कांग्रेस की पोल खुल चुकी है, राहुल गांधी बेनकाब हो चुके हैं, वो अनफॉर्चुनेट MP अपने आप को कहते थे, अयोग्य घोषित हो चुके हैं, अब अनफॉर्चुनेट क्या, फॉर्चुनेटली MP नहीं रहे। दोनों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने 2 साल की सजा सुना दी और 30 दिन का टाइम दिया गया है कि आप अपील कर लो। इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं?